केंद्र और असम सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क और वैट कर घटा दिया है और अब से असम वासियों को बड़ी राहत मिली है। और हम इस खबर पर जुड़ेंगे हमारे संवाददाता डिब्रूगढ़ से रिपुंजय दास के साथ। जी रिपुंजय, एक बड़ी राहत की खबर है लोगों के लिए। पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए तक कम हो गया है प्रति लीटर, तो किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लोगों का क्या कहना है इस बारे में? मनस्मिता, लोगों में तो प्रतिक्रिया बड़ा ही उत्साहजनक है और वो आशावादी है कि फर्दर ये जो प्राइसेस है ये और भी घटेंगे। मनस्मिता, मैं तो पहले दिखाना चाहूँगा, ये जो आज यहाँ डिब्रूगढ़ में जो रेट है, अभी पेट्रोल डिब्रूगढ़ में बिकड़ा है 100 रुपया 90 पैसा और डीजल जो है 87 रुपीज़ 13 पैसा। तो ये जो स्लैशेस हुए हैं एक्साइज ड्यूटी में, उसके बाद डीजल प्राइस घटा है लगभग 12 रुपया 13 पैसा और पेट्रोल प्राइस जो घटा है 6 रुपया 17 पैसा। तो मनस्मिता, इसमें जो एक्चुअल बात है वो है कि ये सेंटर का जो डिसीशन है कल एक्साइज ड्यूटी स्लैश करने का, उसके बाद ये प्राइसेस इफेक्टिव हुए हैं रात 12 बजे से और ये कल फिर से और भी नीचे जाएगा प्राइसेस और 6-7 रुपया और घटेगा। वनस्पिता, हमारे साथ यहाँ एक फ्यूल आउटलेट के मैनेजर है, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये प्राइसेस जो है वो घटाया गया है, कैसे कुछ हुआ है, बताइए। हेलो, हमारे जानकारी के अनुसार ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से एक्साइज प्रेशर का कमीशन कम किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये मीटिंग में बोला गया है कि आप भी अपना टैक्सेस कम कीजिए, तो हो सकता है कि आज और कल में और भी रेट कम होंगे। अभी डीजल 12 रुपया कुछ पैसा कम हुआ है, 6 रुपया कुछ पैसा पेट्रोल कम हुआ है और उसके बाद में हमारा जो अपना है स्टॉक हम लोग रखते हैं बेरिया पेट्रोल पंप में, हमारा बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि जब बढ़ा था 2-3 महीना में तो 20-30 पैसा करके बढ़ा था, तो इससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। मगर स्टॉक 4 टंकी में हमारा 80,000 लीटर का जगह में 40,000 है, 18 रुपया कर देने से डीजल पेट्रोल का जो मार्जिन कम हुआ है। कॉमन मैन जो है उनको थोड़ा सहूलियत मिला है दिवाली के समय में, दिवाली ये पूजा के बाद, दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच में ये जो तोहफा सरकार के तरफ से मिला है ये मैंने आम पब्लिक के लिए अच्छा है। हमारे जानकारी के अनुसार आदमी डीजल और पेट्रोल का रेट 2-3 महीना में बढ़ने से तंगी के हाल से गुजर रहा था। ठीक है, थैंक यू। तो मनस्मिता, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग है जो ग्राहक है जो तेल भरने के लिए आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे उनकी प्रतिक्रिया। आज अलग तेलर दाम कमिसे कैसे कि राइजे अलग सकाश पा कि बहुत बेसि दाम ए बेसि और प्राइस तो कम हमें भल है सुविधा है जनसाधारण है अपना तलर दाम सको बस्तु दाम हो गई पेट्रोल जान सामग्री दाम बढ़ार लगे আপনার সকল সামগ্রীর দাম বাড়ি গেছে, আমার নিম্ন মধ্যবিত্ত আর মধ্যবিত্ত মানুষের চলবলে দিগদার হয়েছে। দাদা, আজি তেলের দাম অল্প কমিছে বলে কইছে, তেলের দাম অল্প কমিছে, তেলের দাম তো কমিলে তো ভালোই হবে, না এটা তো দাম হওয়ার কারণে আমার দিগদার হয়েছে আর আৰু কি ক'ম আৰু। সো মনস্মিতা, লোগো সে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া আয়ে হে হামাৰে সামনে, কিয়কি আভি লোগ কুছ সমঝ নাই ৰহে, থোড়া কনফিউজন হে উনমে, কিয়কি সরকার কে তরফ সে জো ঘোষণা হুই হে উস অনুসার প্রাইসেস মে আভি তক পুরা ঘটা নাই হে, লেকিন ইয়ে হাম বার বার কেতে হে कि फ्यूल प्रोडक्ट्स फिनिश प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी होता है वो सेंटर लेवल में एक होता है स्टेट लेवल में, तो सेंटर ने अपना शेयर घटा दिया है जिसके चलते ही ये डीजल के प्राइसेस में, फिर से बताना चाहूँगा
12 रुपया 13 पैसा और पेट्रोल के प्राइसेस में 6 रुपया 17 पैसा कमी हुई है और ये फर्दर कल तक फिर से ये घटने की उम्मीदें हैं और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना शेयर इसमें घटाएगा ये बात लगभग निश्चित है।